हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मैग्लियोर ट्रेंच। तो मैं आज आपको अपने साथ में लेकर चलूँगी, आज आप मेरी पूरी जर्नी देखेगा। तो अब मैंने जर्नी जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ कश्मीरी गेट, गेट नंबर 4 भारत पेट्रोलियम। बस में मैं बैठ चुकी हूँ वॉल्वो में, अब मैं यहाँ से जर्नी जो है स्टार्ट होगी। तो अब मैं आपको पूरा मैग्लियोर ट्रेंच जैसा मैं घूमूंगी वैसा मैं आपको दिखाऊंगी। मैं आई हूँ यहाँ पर शिवा ढाबा, जहाँ पर अभी हमने रुका है, डिनर करेंगे। अभी हम रात के बज रहे हैं 12:15 अप्रोक्सीमेटली, तो हम डिनर करके यहाँ से निकलेंगे। अब मैं सुबह मिलूंगी आपसे मैग्लियोरगंज। तो आप देख सकते हो मैंने जहाँ पे रुकी हूँ, हमारी बस जो रुकी हुई है खाने के लिए शिवा ढाबा। और आपको इधर उधर दिखाते हो, यहाँ पे शॉप्स भी हैं, गिफ्ट की शॉप्स भी हैं, जूस, सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। अब बाकी अब मैं खाने के बाद मिलती हूँ सुबह आपको मैग्लियोर। गुड मॉर्निंग। तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ धर्मशाला। धर्मशाला से आगे वॉल्वो नहीं गई थी तो यहाँ पे मुझे उतरना पड़ा। मैंने कैब करी है, अब मैं जा रही हूँ मैग्लियोरगंज। तो मैं आपको दिखाऊंगी रास्ता कैसा है, मैं खुद भी देखूंगी। अब जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं मैग्लियोरगंज के लिए। तो मैंने अभी इनसे पूछा है, अंकल जी ने बताया है बहुत सारी जगह जो मैग्लियोरगंज में है घूमने के लिए, मैं आपको घुमाऊंगी। जैसे डल लेक, वाटरफॉल, चर्च, और क्या बताया था अंकल आपने, नदी व्यू पॉइंट, वो भी जाएंगे देखेंगे कैसा है। अब ये पूरा मार्केट जो है धर्मशाला का निकल चुका है, अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और रास्ता बढ़िया वाला आ चुका है। चलेंगे जो है यहाँ के डल लेक और वाटरफॉल। मैग्लियोरगंज के मैग्लियोरगंज में पहुंच चुकी हूँ, अब मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कैसा है वहाँ पे। पहले वाटरफॉल जाएंगे फिर वहां पर जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, चलिए। तो हमने स्कूटी यहाँ पे पार्क कर दी है, अब हम चल रहे हैं। यहाँ से पैदल का रास्ता है 700 मीटर का, तो चलिए। तो ये है यहाँ का मंदिर। यहाँ से जो है 700 मीटर का ट्रैक का रास्ता अलग से, जिसपे हमें पैदल पैदल ही जाना है, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है मंदिर के नीचे, जो लोग नहीं जा सकते हैं 700 मीटर ट्रैक करके वो लोग यहाँ पर नहा सकते हैं। पूरा पूल का तो है। चलिए बेटा, हम जाएंगे ट्रैक करके आगे जो प्रॉपर वाटरफॉल है। मुझे लगता है वो जो झरना है वही है, वहां तक हमें जाना है। ये जो लोग जा रहे हैं रास्ता तो वही जा रहा है, आगे चल के देखते हैं कहां तक जाते हैं। मुझे तो लोग नीचे भी नजर आ रहे हैं। ओए हाँ, लोग नीचे भी नहा रहे हैं यहाँ पर। बहुत ऊपर तक चढ़कर आ गए हैं, यहाँ पे देखिए पीछे पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। अभी तो मुझे लगता है काफ़ी ट्रैक और रह गया है, आगे चलते हैं। यहाँ पे जिप लाइन, जिप साइकिल और बहुत सारे एडवेंचर्स हैं जो हो रहे हैं। मैंने देखा वहाँ पर जो
जो है पैराग्लाइडिंग भी है। ये देखिए, ये आपको दिख रही है पैराग्लाइडिंग हो रही है यहाँ पे, मैंने पहले भी की हुई है, बड़ी मज़ेदार की होती है। तो ये है वाटरफॉल जिसकी मैं आपको इतनी देर से दिखा रही थी, वीडियो हम पहुंचने वाले हैं। ये है प्रॉपर मैक्लियोड बेंस का वाटरफॉल। ये देखिए यहाँ से ये नीचे जा रहा है, लोग यहाँ पे नीचे भी नहा रहे हैं। कितना टूरिस्ट है, कितना क्राउड है, कितने लोग वीकेंड में आए हैं स्पेशली। तो ये मैंने आज आपको मैक्लियोड बेंस का वाटरफॉल दिखा दिया है। अब हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलेंगे जो है लेक, यहाँ की स्पेशली बहुत फेमस है। अब मैं वहां पर जाकर आपको मिलूंगी थोड़ी देर में। तो चलिए, अब हम मैंने आपको वाटरफॉल दिखा दिया है, अब हम जा रहे हैं नदी लेक मैक्लियोडगंज के। तो अब हम मिलेंगे थोड़ी देर में नदी लेक पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की लेक कैसी है। मुझे भी नहीं पता, मैं भी देखकर बताऊंगी कि कैसी है। तो चलिए आगे चलते हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये अब हम आ गए हैं डल लेक, जो मैंने आपको बोला था। यहाँ पे देखिए फिश हैं, उनके लिए मैं ब्रेड लाई खिलाने के लिए। मुझे लग रहा है उनका पेट भरा हुआ है, आ नहीं रहे हैं सारे। थोड़ी 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 थोड़ी, ओ वो खा रही है, वो खा रही है, यहाँ वाली खा रही है। सी? ये वाली खा रही है, यहाँ पर है वो। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। लड़ो नहीं, बहुत सारी फिश हैं, बहुत सारी। ये रही ये रही ये रही ये रही, वहां के ले ले चलो। ये लो, आई 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 आई। ये रही और पूरी, तो ये थी हमारी डल लेक। अब हम चलेंगे नदी लेक पे, ये नीचे है, इसके ऊपर अभी है 2 किलोमीटर और, उस पे जाएंगे अब हम। अब वहां पे मिलेंगे, फिर देखते हैं वहां पे क्या है कैसे है, चलो आज। तो ये है मैक्लियोडगंज का व्यू पॉइंट, जहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको पूरा व्यू नजर आएगा जो है अच्छी तरीके से। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा है। वैसे यहाँ पर यही है खाने का है, अब मैगी ऑमलेट जो हिल स्टेशन पे स्पेशल होती है खाते हैं। बाकी देखते, थोड़ा सा और आगे जाके देखती हूँ मैं, फिर इसके बाद चलेंगे हम सनसेट पॉइंट पे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं। व्यू पॉइंट तो बहुत अच्छा है, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी मजा आएगा अगर आप विजिट करोगे। मजेदार जगह होती है हिल स्टेशन, मुझे तो पसंद है, आपका तो मुझे पता नहीं, किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता है। जस्ट कम विद मी। आगे कुछ है, अरे ये वो है दूरबीन से देखने वाला, वहां पर जो है हम दूर तक पहाड़ तक देख सकते हैं। मुझे तो लगता है ये वही है, जल्दी जल्दी चलती हूँ देखती हूँ। मेन व्यू तो जो मुझे नजर आ रहा है वो है, लोग देखे दूरबीन से भी देख रहे हैं और वाकई में बहुत सुंदर है। लोग दूर दूर से इसी व्यू के लिए आते हैं, स्पेशली टाइम निकाल के पैसे खर्च करके, मैं भी आई हूँ। तो आइए, मेन जो व्यू है वो ये है। ये अब हम पहुंच गए हैं मैक्लियोडगंज के सनसेट व्यू पे। तो जो आप देख सकते हो यहाँ से व्यू तो खैर अच्छा है ही है, और ये है सनसेट पॉइंट। यहाँ पे एडवेंचर्स भी हैं, ये ज़िपलाइन और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, बट मेन तो जो है वो सनसेट का व्यू है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। आप भी देख सकते हैं मेरे थ्रू, बाकी जब आप आएंगे तब आप देख सकते हैं। तो ये था मैक्लियोडगंज का मेरा फर्स्ट डे। इसके बाद अभी मेरा बचा है, लाइक मैं वर्कआउट करने जाऊंगी, जिम जाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ का जिम कैसा है, और आप जा सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। हो भाई, रास्ता बड़ा खराब है,
तो ये था आज का सनसेट व्यू जो है मेरी आंखों में चुभ रहा है। आप देख सकते हैं प्रॉपर जो यहाँ यहीं से जो है प्रॉपर सनसेट का व्यू दिखता है। बाकी ये है आज मैंने आपको मैक्लियोडगंज के फर्स्ट डे पे दिखाया वाटरफॉल, डल लेक और माउंटेन व्यू पॉइंट, सनसेट व्यू पॉइंट। अब हम मिलेंगे कल। कल है मेरी ट्रैकिंग का दिन, वो मैंने आज तक नहीं करी और मैं उसके लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं आपको भी दिखाऊँगी कैसा है और मैं कैंपेनिंग करूँगी पूरा, वहाँ पर रुकना है और मैं कल दिखाऊँगी आपको सारा कुछ जो भी करना है। ठीक है, अब हम मिलेंगे कल। बाय बाय।